नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा के भीतर बवाल मचा हुआ है। 40 बागी, आप कल्पना कर सकते हैं, 40 बागी। और ये 40 तो ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हुआ है, 37 सीटों पर, 37 सीट, 40 बागी और 40 पर कार्रवाई। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है, डमी बनाने की कोशिश है, इंटरनल मैनेजमेंट की कोशिश है, वोट ट्रांसफर की कोशिश है, वोट बंटवारे की कोशिश है, ऐसे भी बहुत सारे। इन 40 बागियों की वजह से बीजेपी में ऐसा हड़कंप मचा कि प्रत्याशियों की सूची से लंबी सूची बागियों की निकालनी पड़ी। आज भाजपा ने 40 की एक सूची निकाली है एक्शन के। अब बागियों की हालत सिर्फ यहां तक नहीं है, कम से कम 3-4 नाम हमारे पास ऐसे आ चुके हैं जिनका मोबाइल नॉट रीचेबल हो गया है। 4 नवंबर तक तो रीच में थे, उनसे फडणवीस बात कर रहे थे, उनसे विनोद तावड़े बात कर रहे थे, उनसे शिवप्रकाश बात कर रहे थे, कई लोग संगठन से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए बातचीत कर रहे थे, जैसे गोपाल सेट्टी को मनाया था उसी तरह सबके साथ लगे हुए थे। लेकिन कम से कम 3-4 ऐसे हैं जिनका मोबाइल नॉट रीचेबल है, 3-4 हमारे तक जो जानकारी है। अब इसके साथ और क्या चल रहा है, राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके बीच इस तिकड़ी के बीच में ऐसी खिचड़ी पक रही थी कि इस खिचड़ी की महक सिंधे को लग गई और सिंधे को पता चल गया कि खिचड़ी भी ये खाएंगे, घी भी ये खाएंगे और सिंधे साहब मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिए जाएंगे चुनाव के बाद। सिंधे को पता चला तो सिंधे साह से भिड़ गए। ये पूरी कहानी बड़ी उलझी उलझी सी आपको समझ में आ रही होगी, इसको सुलझाते हैं, भाव को चर्चा में जोड़ते हैं। कंट्रोल रूम ले आइए भाव, स्वागत है भाव। महाराष्ट्र के घमासान में क्या खिचड़ी पक रही है, बहुत सारे मामले, 40 की सूची, उसके बाद एक सीट है पालघर, पालघर में अमित घोड़ा है, अमित घोड़ा ये कहाँ पे है इस घोड़े का पता ही नहीं चल रहा, अमित घोड़ा गायब, नॉट रीचेबल है। उसके अलावा प्रकाश निगम है, प्रकाश निगम इनका ही फोन नॉट रीचेबल। उसके बाद जगदीश घोदी है, जगदीश घोदी नॉट रीचेबल। हिंगोली में रामदास पटेल है, रामदास पटेल को खोजा जा रहा है। इतने सारे मुसीबत, पहले इस पे चर्चा करते हैं फिर सिंधे पे चलेंगे, सिंधे वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उस पर थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं, क्योंकि सिंधे को ऐसे ही इतने आसानी से भाजपा निपटा पाएगी लगता नहीं है। ये जो बगावत है महाराष्ट्र में, ऐसी बगावत पहले आपने देखा, आपने तो बहुत दिनों से, मतलब दशक हो गए, 4 दशक देखते देखते। देखिए आशीष भाई, पहली बार बीजेपी में बगावत, हाँ, इतने बड़े लेवल की। महाराष्ट्र में बगावत हुई है, कांग्रेस में बगावत हुई, शरद पवार अलग निकल गए, शिवसेना में 2-2, 3-3 बार बगावत हुई। लेकिन चुनाव के दरमियान जो पार्टी एक डिसिप्लिन कैडर पार्टी है, जो पार्टी जो स्वयं सेवक संघ की शाखा के संघ की शाखा से निकलते हैं, पार्टी विद द डिसिप्लिन डिफरेंस, जहां पे ऊपर का आदेश सर्वमान्य हो जाता है, ऐसे पार्टी में 40 की सूची आपके पास है जिसपे एक्शन हुई, 37 की। लेकिन मेरे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है करीब करीब 78 और है बागी। लेकिन अब बीजेपी ने प्रिंसिपली तय किया है कि अब किसी पे एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं बीजेपी को यह डर है उनकी स्थिति शोले के जेलर जैसी नहीं हो जाए कि आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं। और खासकर अब जो सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो है एकनाथ शिंदे और अजित पवार को, इनके लोगों के खिलाफ जो फ्रंट खुले हैं, जो बीजेपी के कई लोगों ने बगावत की है, बीजेपी उसको कंट्रोल में लाने में बहुत प्रॉब्लम है। और उसका कारण है आशीष, उसका मुख्य कारण मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये जो पार्टी थी, पार्टी विद द डिफरेंस, देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 10 सालों में ये पार्टी के संगठन का सत्यानाश कर दिया। जो लोग वजूद वाले थे उन्हें घर बिठा दिया, उन्हें मजबूर कर दिया पार्टी छोड़ने के लिए, और
जो बाहर के जो पैराट्रूपर थे उनको पार्टी में एंट्री दी। भाजपा में कौन सी बगावत को रोक पाएंगे ये? भाजपा में कितनी भाजपा? एक ओरिजिनल भाजपा, उसमें दो फाड़, मोदी निष्ठ भाजपा, संघ निष्ठ भाजपा। बाकी बची हुई भाजपा में सेना भाजपा, शिवसेना से आए हुए, एमएनएस भाजपा, मनसे से आए हुए, राष्ट्रवादी भाजपा, शरद पवार के वहां से आए हुए, कांग्रेस भाजपा जो कांग्रेस से गए। अब इतनी सारी भाजपाएं हो गई, अब उनमें से विद्रोह तो होगा, क्योंकि जो अभी जो आपके पास लॉट है 70% के आसपास, उनको ना कोई संघ का संबंध है ना कुछ है, वो या तो ईडी इनकम टैक्स से परेशान होके आए हैं या मलिदा खाने आए, माल खाने आए, उनको क्या सवाल, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हर जगह आपको उम्मीदवार बंडखोर दिखेंगे। कुछ जगह जो मतलब कोल्हापुर का यदि मैं किस्सा सुनाऊं आपको, तो कोल्हापुर में शाहू महाराज के परिवार यानी उनके बहू को, डॉटर इन लॉ जिसको कहते हैं, बेटी की पत्नी को टिकट दिया, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने एक नाम अनाउंस किया और नाम अनाउंस करने के बाद कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, तो उसके जगह शाहू महाराज के बहू को दिया गया। अब शाहू महाराज ने जो बगावती था उसको बोला कि भाई आप वापस ले लो, सब दूर प्रयास हुए वापस करने के, और हो सकता है मैं मान भी जाता, लेकिन एकाएक उसके पिताजी ने शाहू महाराज को फोन किया और कहा, महाराज आप तो राजा हैं, आप तो न्याय करिए, मेरे बेटे का अन्याय किया, क्योंकि वो सामान्य घर का है, राजघराने का नहीं। आप सांसद है, आपकी बहू विधायक बनेगी, सब राजघराने में ही जाएगा क्या? तो कांग्रेस में कोई सामान्य कार्यकर्ता की जगह नहीं। महाराज इससे द्रवित हुए, महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरी बहू विड्रॉ कर ली, और जिसके पास बी फॉर्म था ओरिजिनल उसने विड्रॉ कर दिया। हाँ, और जो जो बगावती था अब वो कांग्रेस का कहलाएगा, मतलब वो तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, कांग्रेस का सिंबल ही नहीं होगा। तो कई जगह ये दिल्ली में हम क्यों कांग्रेस को कोसते हैं? इसलिए नहीं कोसते कि कोई भाई, एक तो कांग्रेस ने हम पे बहुत एहसान किए एक कोर्ट केस करके, ताकि कम से कम लोगों को लगे कि हम कांग्रेस के पेरोल पे नहीं थे। एक बीजेपी के खिलाफ बोलने का मतलब था कि आप कांग्रेस के पैसे पे जी रहे हो, वो एक तय हो गया कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम कांग्रेस को भी सुनाते हैं और बीजेपी को भी सुनाते हैं, जहां गलती होगी वो सुनाएंगे। ऐसे कई जगह टिकट दिए गए जहां पे जो आदमी 5 साल से काम कर रहा है और बिल्कुल जुताऊ उम्मीदवार है, दिल्ली के चंडाल चौकड़ी ने अपना उम्मीदवार थोपा उसके ऊपर, तो वहां इंडिपेंडेंट लोग हैं और वो बीजेपी के लिए रास्ता सुगम करेंगे। तो कई बार मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, जो इंफॉर्मेशन जिला अध्यक्ष के पास होती है, जिला अध्यक्ष लेके आता है उसको कि साहब ये जीता उम्मीदवार है, ये जीत जाएगा 100%। जो जिले का अध्यक्ष है आपके, आप उसकी भी बात नहीं मानते हो, वो कौन कोनुगुलू का सर्वे आता है, अरे भाई उसके सर्वे में ऐसे कैसे लोगों को सिलेक्ट करते हो आप जिनके डिपॉजिट जब्त हो जाते हैं? फिर कोनुगुलू फर्जी है, उसके ऊपर प्रेशर डाल के कुछ सीटें बदलाई जाती है, क्योंकि जहां जहां कोनुगुलू को फ्री हैंड दिया उसने उसको रिजल्ट दिया। लेकिन ये हरियाणा को तो देख के मुझे लगता है कि उसका सर्वे भी फर्जी निकला, खासकर बहादुरगढ़ और अंबाला कैंट, ये दोनों तो सामने थे ना, एक एक आदमी को पता था सिवाय कोनुगुलू के, सिवाय स्क्रीनिंग कमेटी के, सिवाय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के, सिवाय पार्लियामेंट्री बोर्ड के, पूरे देश को पता था कि वह कौन जीतने वाला है।
तो ऐसे कई जगह पे है, लेकिन भाजपा में मेरे लाइफ में मैं पहली बार, हालांकि हिमाचल में जो हुआ उसके बाद मुझे समझ में तो आ गया था कि जब आप संगठन नष्ट करोगे, क्योंकि इन दोनों गुजरातियों ने सत्ता और संगठन पे ऐसी पकड़ बनाई, अध्यक्ष रबर स्टैंप निकले आपके, जब आपके अध्यक्ष रबर स्टैंप है तो फिर उसके बाद कुछ बचता थोड़ी है, संगठन तो सत्यानाश हो जाता है। नहीं तो एक वजूद हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष माने सबसे बड़ा, चाहे विपक्ष में रहे बीजेपी, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष उसका एक वजूद होता था, वो एक पावर सेंटर था, वो खत्म हो गया। संगठन खत्म हो गया तो आपको बगावती सुर मिलेंगे जो देखने को मिलते हैं। इस बगावत में 78 40 ये करीब करीब 120 मतलब 125 के करीब बागी, इस बगावत पे, इस 125 बागी पर हम फिर आएंगे एक बार दोबारा, फिर चलते हैं सिंधे पे, राज ठाकरे पे और शाह पे। ये राज ठाकरे लगावे लिपस्टिक का गाना चल रहा है, एक लड़की से अश्लील डांस जो करवाया जाता है बाल बालाओं से, वो डांस चल रहा है, सिंधे की सभा है, उस सभा पर कोई टिप्पणी नहीं करता, टिप्पणी करते हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे बताते हैं कि इस बार अगर सरकार महायुति की बनती है तो भाजपा का सीएम होगा, सिंधे हट जाएंगे। राज ठाकरे सिंधे के प्रत्याशी के खिलाफ अपने बेटे को माहिम में उतारते हैं, माहिम में अमित ठाकरे को, वहां से 3 बार का विधायक है और जो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके सिंधे के साथ आया, सदा सरवड़कर, सदा सरवड़कर को मनाने के लिए भाजपा, हाँ, और मनाने के लिए भाजपा लगाती है लगातार 3 बार से विधायक लगातार मनाने के लिए। सिंधे साहब वहां सरेंडर करते हैं, कहानी बड़ी अजीब है, सिंधे साहब सरेंडर कर देते हैं, सदा को मनाते हैं, वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है बाद में विधान परिषद किसी बोर्ड में कहीं एडजस्ट हो जाए। राज ठाकरे के पास मिलने जाते हैं नामांकन वापस लेने से पहले, राज ठाकरे का घर जो शिवतीर्थ है, शिवतीर्थ के बाहर इंतजार करना पड़ता है और राज ठाकरे मिलने से मना कर देते हैं। बेटे की जो है, बेटे का भविष्य दांव पर है लेकिन मिलने से मना कर देते हैं सिंधे के प्रत्याशी से, जो बेटे के पक्ष में नामांकन वापस लेने आया है, वो बैरंग वापस लौट जाता है। 10 सीटों पर मुंबई के क्षेत्र में जहां पर भाजपा मैदान में है वहां पर राज ठाकरे प्रत्याशी नहीं उतारते हैं एमएनएस के, लेकिन सिंधे की हर सीट पर चुन चुन के प्रत्याशी उतारते हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे ने ये जो ट्यूशन ली है, ये चिराग पासवान से ट्यूशन ली होगी, चिराग पासवान से ट्यूशन ये ली होगी कि विधानसभा में मैं आपका भला करता हूँ, भला ही मेरा कुछ नुकसान हो जाए लेकिन फिर आने वाले टाइम में मेरा ख्याल रखना। एक तो राज ठाकरे का वो ईडी का केस क्लोज नहीं हुआ है, कोहिनूर मिल वाला, वो केस सिर्फ एक बार उनको बुलाया था मीटिंग में, उसके बाद राज ठाकरे का बोलने का टोन चेंज हो गया। दूसरी बात, राज ठाकरे की कोई विचारधारा नहीं, उनकी एक ही विचारधारा है, उद्धव के ठाकरे के खिलाफ जाना। तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे तो राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ थे, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ आ गए तो राज ठाकरे बीजेपी के दोस्त हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कितना शातिर गेम खेला बीजेपी। बीजेपी खुद महाराष्ट्र में जो लेटेस्ट आंकड़ा है विड्रॉल के बाद वगैरह, 148 सीटों पे लड़ रही है बीजेपी, 148 पे बीजेपी, शिवसेना 85 पे और अजीत पवार 54 पे, ये आंकड़े है 3 पार्टियों, बाकी कुछ सीटें छोटे मोटे को। लेकिन बीजेपी ने अपने 17 उम्मीदवार, 17 17 ये एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के सिंबल पे भी लड़वाए, 12 अकेले सिंधे के सिंबल पे हैं, 12 हाँ, और 5 अजीत के, मतलब इफेक्टिवली 165 सीटों पे लड़ रही है बीजेपी। शाइना का तो मुंबई में लड़ रही है, नारायण राणे का बेटा उधर एकनाथ शिंदे के माथे मार दिया,
कि चलो बीजेपी से शिवसेना हो रहा है। कुल मिलाकर ये जो शिंदे को समाप्त करने की एक, देखिए ये हम लोग समझते हैं, देवेंद्र फडणवीस नहीं समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। दिल्ली का सुल्तान मजे ले रहा है। वो शिंदे से फडणवीस को निपटवा रहे हैं, फडणवीस से शिंदे को निपटवा रहे हैं, सब एक दूसरे को चेक है भाई। जब जरांगे पाटिल, अब एकनाथ शिंदे के लोगों ने सुनील तटकरे के बारे में क्या क्या नहीं कहा। सुनील तटकरे अकेली लोकसभा सीट निकाल के लाए अजित पवार के गुट में। एकनाथ शिंदे के हर मंत्री हर विधायक अजित पवार गुट के खिलाफ तलवारें लेके खड़े हैं। जरांगे पाटिल फडणवीस के खिलाफ बोल रहे हैं, शिंदे के खिलाफ राज ठाकरे को उपयोग में लाया जा रहा है। ये चंद्रकांता जो कथानक है उसका भी बाप निकला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब सुनने वाले भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार यार ये तो इधर था, ये इधर कैसा गया। तीनों एक, एकनाथ शिंदे अजित पवार देवेंद्र फडणवीस एक, लेकिन शिंदे के आदमी अजित पवार को गाली देते हैं, शिंदे का प्यादा देवेंद्र फडणवीस पे तोप डाकता है। जरांगे पाटिल राज ठाकरे को आगे करके देवेंद्र फडणवीस शिंदे को कॉर्नर करते हैं। ये इस मूड में कर रहे हैं कि सत्ता तो अपनी आनी, सरकार में तो हम आ ही रहे हैं, तो ये 24 तारीख के बाद की लड़ाई है, उसको अभी निपटाया जा रहा है। भाई शिंदे को लग रहा था कि मैं ऐसी पार्टी बन के उभरू, तो राज ठाकरे तुम्हें पलीता लगा रहा है। हालांकि राज ठाकरे का वोट परसेंटेज नहीं है, लेकिन भाव इसमें एक 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 चीज जोड़ना होगा, परसेंटेज नहीं है लेकिन फिर भी मुंबई वाला क्षेत्र जो है उसमें विधानसभा में, जैसे हरियाणा में हमने देखा 2,000-3,000 वोट का भी अगर है आदमी का अपना स्टेट तो फर्क पड़ता है। अब देखिए कितना बड़ा इसका सबूत जो है, जिसके वजह से दिल्ली दरबार का दरवाजा नॉक किया है शिंदे ने, जो हमने कहा कि अब शाह से भिड़ने को तैयार है। साइना एनसी बीजेपी की कैंडिडेट थी, साइना एनसी शुरुआत में आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में जा रही थी, लेकिन साइना एनसी को हटाया वहां से जो है साइना एनसी को शिवसेना में मिलन, मिलिंद को उतारा और उसके बाद साइना को शिवसेना शिंदे वाली शिवसेना से टिकट दिलवा दिया। शिंदे की शिवसेना से साइना एनसी प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ मनसे ने नहीं प्रत्याशी दिया, उनके खिलाफ नहीं दिया, क्योंकि यहां तक वहां पर चिन्हित किया जा रहा है कि ये ओरिजिनल भाजपा है, ये सिंबल शिवसेना है, लेकिन कैंडिडेट क्या क्या नीलेश राणे की सीट हो या शायना की सीट हो, ये दोनों सीटें तो बीजेपी की कहलाई गई ना। हाँ, से दिया है तो ओरिजिनल बीजेपी के। अब आशीष सेलार और नारायण राणे, इन दोनों ने खुलेआम मंगलवार को ही बालानंद गांव का जो सीवड़ी से प्रत्याशी हैं एमएनएस के, उनको खुलेआम समर्थन का ऐलान कर दिया कि भाजपा मनसे के प्रत्याशी के साथ, मनसे के प्रत्याशी का खुलेआम समर्थन करेगी। लेकिन जो है माहिम में अब मामला अपने जो है, जब अपमानित हुए शिंदे तो चले आए दरबार में शाह के कि भाई हमारे साथ गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है, हमको धोखा दिया जा रहा है। ये शिंदे दिल्ली दरबार में शिकायत कर रहे हैं, इस शिकायत से दिल्ली दरबार में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली दरबार ने यदि कल पूछा कि आपने क्या किया, आपने तो मुख्यमंत्री पद लेने के लिए धोखा दे के आ गए आप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, और भाजपा तो हमेशा अपने सहयोगी को नष्ट करती है,
वो तो जीम लेती है पूरा। दसों उदाहरण देने के बाद भी एकनाथ शिंदे को समझ में नहीं आया है वो उनकी किस्मत। जो जो बीजेपी के साथ गया उसने अपना मृत्यु लेख लिख लिया, राजकीय मृत्यु लेख, ओबिट जिसको कहते हैं इंग्लिश, वो लिख लिया। क्योंकि एक चुनाव दूसरे चुनाव तक तो खत्म कर देते हैं। अच्छा एक पूरा इतिहास है इंडिया भारत भारतवर्ष का। एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है जो मतलब इसको आप कल्पना मान लें, अभी कहीं ऐसा प्लान तो नहीं है कि शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी में दोनों तो असली है, असली दोनों है, पुरानी दुकान 125 साल पुरानी दुकान जो असली वाली लिखा जाता है कि यही असली पुरानी दुकान, तो दोनों को राजीव कुमार ने असली का दोनों को टैग दे दिया है। दोनों का बोल उधार के इधर लगा दिया। हाँ तो दोनों असली के बीजेपी में विलय जैसा तो कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि ये 12-5-17 वैसे भी चुनाव कम ही प्रत्याशी जीतेंगे, पता चला कि 16-18 जीते शिंदे के, पार्टी असली शिवसेना बीजेपी में विलय हो गया। कोई कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। मैंने क्या कहा, जिस बैसाखियों पे बीजेपी केंद्र में टिकी हुई है उन बैसाखियों को नहीं बख्श रहे वो। आज नीतीश कुमार के पास क्या है? नीतीश कुमार के तिजोरी में माल है? नीतीश कुमार के सांसदों में से 90% तो सांसद ऑलरेडी पैक हो गए, सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र है बीजेपी ज्वाइन करने। कुछ नहीं कर सकते, वो कहेंगे कि हमने विलय कर दिया, अलग गुट बनाया, विलय कर दिया। वो भी नहीं लगता, दल बदल कानून भी नहीं लगेगा जब 90% लोग आपके साथ होंगे। ये वो भी जानते हैं नीतीश कुमार। लेकिन फिर शेर की सवारी करने के पहले सोच लेना चाहिए था ना। किसी ने बोल दिया कि शेर अभी सोया हुआ है, कुछ नहीं करता, सो बैठ जा, बैठ गए, अब उड़ गया शेर, अब उसको लगी भूख। नीतीश बौखला गए हैं और नीतीश समर्थक इसको भी मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। कल नीतीश के सारे सांसद बीजेपी में चले गए तो भी बोलेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है नीतीश का, नया खेला हो गया, नया खेला हो गया कि देखिए नीतीश ने अपने सारे लोग भेज दिए बीजेपी। हाँ ऐसा देश में कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता था। लेकिन तो कुल मिलाकर ये देखिए मैंने क्या कहा, ये लड़ाई मुख्यमंत्री पद की है, अविश्वास इन तीनों में इतना जबरदस्त है, कोई किसी पर विश्वास रखने को तैयार नहीं है, इसलिए कोई किसी को चुनाव में मदद करने को तैयार नहीं है। वोट ट्रांसफर लोकसभा में नहीं हुए थे, इस बार भी विधानसभा में मुझे वोट ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो लोग आएंगे वो अपने बलबूते पे आएंगे, एकनाथ शिंदे की कुछ सीटें आएगी तो अपने बलबूते पे आएंगे, वो दमदार उम्मीदवार होगा इसलिए आएंगे। अजीत पवार के पास कुछ सीटें आएगी तो वो दमदार है इसलिए आएगी, और बीजेपी तो इन सभी के विद्रोही एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में, बीजेपी अपने गरेबान में झाके देखे कि तो ऐसा तो नहीं है आप दूसरों को निपटा रहे हो और पीछे सब निपट गया, कहीं बीजेपी का औरंगजेब ना हो जाए। मराठा साम्राज्य खत्म करने आए थे और औरंगाबाद मतलब औरंगाबाद जिसको अब वो संभाजीनगर कहते हैं वही गढ़ गए, वही दफना गए, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि है बहुत खतरनाक। शाहिस्ते खान आया तो उंगली छोड़ के चला गया, अफजल खान आया तो पेट फड़वा गया, औरंगजेब जो तात्कालीन समय का सर्वश्रेष्ठ पूरे एशिया में जिसका डंका बजता था, इतना बड़ा मुगल सम्राट पस्त हो गया, मर गया। बड़ा अजीब है महाराष्ट्र, इतने जल्दी गले नहीं उतरता। उस दौर में तो एक एक आदमी की चर्चा के बगैर अधूरा है ये सब जो आपने बताया कि कहीं औरंगाबाद न बन जाए और औरंगजेब न बन जाए भाजपा का। इसमें शरद पवार
शरद पवार नीतीश की आपने बात कर ली, असली चाणक्य तो महाराष्ट्र में बैठा हुआ है जिसकी आपने चर्चा नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं नीतीश तो मैंने कहा कि शेर की सवारी कर ली, ये जो शरद पवार जो है सोए हुए शेर को दूसरे को बिठाता है। मैंने आपको शरद पवार का किस्सा सुनाया था ना मैंने, और मैं आपको इसको रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ मैं 30 सेकंड लूंगा आशीष जी। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सरकार को चुनाव में जाना था, शरद पवार ने अपना समर्थन वापस ले लिया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कांग्रेस को बर्फ में लगा दिया। उसके बाद बीजेपी शिवसेना सब अलग अलग लड़ी, और बीजेपी अलग अलग लड़ने के बाद शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने का तय हुआ, शिवसेना ने जो मंत्रालय मांगे वो नहीं दिए, इस चक्कर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शिवसेना ने बायकॉट किया ताकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाए, लेकिन तब शरद पवार ने मदद करके देवेंद्र फडणवीस की सरकार बचाई, उसमें शिवसेना को बर्फ में लगा दिया, और शिवसेना मजबूरी में बाद में जो मिला सो भला करके सरकार में आ गई। उसके बाद चुनाव हुए, तब बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी 2019 में, नतीजे बहुत बेहतरीन आए, तो शरद पवार ने शिवसेना को साथ में लेकर सरकार बनाई और बीजेपी को बर्फ में लगा दिया। एक 5 साल के अंतराल में, 5-7 साल में जो आदमी कांग्रेस बीजेपी और शिवसेना को क्रमशः बर्फ में लगाता है, वो सभी पार्टियां आज भी शरद पवार के साथ जाने को तैयार है, ये शरद पवार है। भूल गई कांग्रेस की, उनके राष्ट्रपति शासन लागू किया सरकार गिरा दी थी, भूल गई शिवसेना की देवेंद्र फडणवीस घुटने पे आते, लेकिन शरद पवार ने समर्थन देने से सरकार टिक गई और ये घुटने पे आ गए। सिर्फ घुटने पे एक आदमी नहीं आता, स्वयं शरद पवार, उसको ईडी का भी नोटिस दिया, तो उसने उसको ऐसा कैश किया कि समीकरण बदल दिया महाराष्ट्र के, ना ईडी ना सीबी ना इनकम टैक्स कुछ बिगाड़ सकता है उसका, ना पार्टी सिंबल सब चला गया, फिर भी देखिए लोकसभा में क्या रिजल्ट आए। तो कुल मिला के मैं इसलिए कहता हूं कि चाणक्य उसको कहो कि जो चाले चलता है बिना किसी शस्त्र अस्त्र से, और इनकम टैक्स सीबी और ईडी यदि शरद पवार के पास दे दो आप, क्या गदर कर सकता है वो आदमी, आप सोच लीजिए। ये संन्यास वाला जो है, जो है नया दांव, इसका क्या फर्क होने वाला है कि संन्यास ले। शरद पवार जी ने 5 साल पहले ही कह दिया था कि चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, उन्होंने उसको रिपीट किया फिर से, क्योंकि आजकल चैनल में ऐसे या मीडिया में ऐसे भी लोग आए, मैं इसलिए कहता हूं कि एक्सपीरियंस लोग यदि होते हैं कि जिन्होंने 20-20 साल रिपोर्टिंग की है, उसके लिए वो खबर नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि आता मोला राजकारण नवीन लोग आली पाहिजे, वो हमेशा कहते हैं कि नए लोग आने चाहिए, हमारा बुढ़ापा आया उनकी बात सुनते सुनते, लेकिन आर आर पाटिल के बाद कोई नया नाम देखने को नहीं भी आला। अभी वो लमके रोहित वगैरह 2-4 नए नए लड़के बच्चे आ गए हैं, आर आर पाटिल का बेटा वो चुनाव लड़ रहा है, वो एक नई एक्सपेरिमेंट है, लेकिन राज्यसभा नहीं जाएंगे ऐसा नहीं कहा उन्होंने, चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। हाँ, चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, वो तो पहले पिछले 5 साल से दूर है, पिछला लोकसभा चुनाव कहा लड़ा था उन्होंने। इसमें एक बात और, जो नया चेहरा, नए चेहरों को आगे आना चाहिए, नए चेहरे को आगे आना चाहिए, कहा अमरावती में, ये कहा जहां पर नया चेहरा अजीत पवार के सामने लाए हैं वो परिवार का, तो ऐसा मैंने क्या बोला, नया चेहरा यानी कहा योगेंद्र को लाए अजीत पवार के सामने, आर आर पाटिल का बेटा जो है उसका नाम भी रोहित है शायद, उसको भी टिकट मिला है, लंके ये नया जो अभी सांसद बन के आए हैं उसके यहाँ भी एक टिकट दिया, तो चलो भाई तुम भी लड़ो। उधर एकनाथ खड़से के बेटी को टिकट दिया, बहु बीजेपी वाले ले गए, तो
तो ये नया एक्सपेरिमेंट है उनका, नए चेहरे आने चाहिए। और जब मंत्रिमंडल बनेगा और चेहरे आएंगे तो आपको वही पुराने चेहरे दिखेंगे। और किसी ने कह भी दिया तो बोलेंगे हाँ नया चेहरा तो है, पिछली बार होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख, अभी सर बेटे हैं उनके, उनको रेवेन्यू दिया और जयंत पाटिल को होम दिया, अब देखो नया चेहरा है ना होम मिनिस्ट्री में। चलिए ये खैर भाजपा की बगावत, हम लोग चर्चा शरद पवार पे भी चली गई, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहानी ये थी कि 40 पूरे महाविकास आघाड़ी अविश्वास के वातावरण से पूर्ण रूप से मटेरियल महायुति में तो बहुत भयानक हो गया है। मतलब बागी अपने जगह पे है आशीष, हर पार्टी में बागी होते, कांग्रेस वाले भी झूझ रहे ऐसा नहीं है, शरद पवार भी झूझ रहे ऐसा नहीं है, लेकिन आपसी विश्वास तो है एक दूसरे को। कभी शरद पवार के खिलाफ कांग्रेस या कोई बोलता हुआ नहीं नजर आता, आपस में सामंजस्य है, वो सामंजस्य मुझे महायुति में नहीं दिखता। एनडीए गठबंधन में मारकाट मची हुई है, एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट है, तटकरे ये विरोधियों का एजेंट है ऐसा आरोप, जो अजित पवार का राइट हैंड है वही एकनाथ शिंदे के लोगों ने बोला ये तो एजेंट है, ये तो हमको हरवाने के लिए लगा है, ये महायुति का सबसे बड़ा दुश्मन है। हो सकता है पैसा इतना ज्यादा बेटी के पास बढ़ता हुआ जो आया खजाना, हो सकता है उससे भी लोग ईर्ष्या करने लगते हैं दूसरे की बढ़ती दौलत देख के। सुनील तटकरे तो बात ही अलग है। खैर ये कहानी कुल मिला के ऐसी है कि रथ एक है और रथ में तीन घोड़े हैं, तीनों घोड़े एक दूसरे गिराने की कोशिश में है और रथ पर बैठे मोदी जी और अमित शाह। अब उस रथ का क्या अंजाम होगा आप देखिए, तीनों घोड़े जब एक दूसरे जो है टांग मार रहे हैं, एक दूसरे टांग मार रहे हैं और बैठ करके उस पे चाबुक लेकर के चाणक्य बैठे हैं और सम्राट अविनाशी बैठे हैं मोदी जी। देखिए रथ का हस्र क्या होता है इस महाभारत में। इजाजत दीजिए हमें, कल दोपहर हम फिर मिलेंगे, भाव साथ होंगे, मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े कार्यक्रम होगा और इसके बाद आपको महाराष्ट्र से ग्राउंड की रिपोर्ट, महाराष्ट्र के लोगों के बीच, वहां के पत्रकारों के बीच, वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट के बीच भाव मौजूद रहेंगे, क्योंकि भाव अब खुद बाकी तो सबको जिसको जिसको मैदान में आना था महाविकास आघाड़ी से महायुति से आ चुके हैं, बस भाव अभी तक मैदान में नहीं थे, तो अब वहां से युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल भाव के जरिए महाराष्ट्र का अब तक आएगा, फिर वो सटीक सबसे सटीक होगा, सबसे विश्वसनीय होगा। इंतजार करिए बस कल से भाव परसों से आप तक रिपोर्ट आने लगेगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।